माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, मोस्ट वेलकम एट माय चैनल। हमने आपको लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बताया था और लाइफ प्रोसेसेस में वेरियस एक्टिविटी बता दी थी कि कितनी एक्टिविटीज होती हैं मेन में, और उनके बारे में हमने धीरे धीरे आपको एक एक पढ़ाने का अभ्यास भी किया था, बताया भी था कि कैसे क्या करेंगे। तो उनमें से पहला टॉपिक जो हमारा है वो न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये सब भी हमने आपको डिस्कस कर ली थी, और आज हम आपसे डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो ये है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन की बात जब हम कर रहे हैं, तो ये है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन की बात जब हम कर रहे हैं तो ये चीज हालांकि हम आपको पहले बता चुके थे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बताना हम आपको आवश्यक समझते हैं कि ह्यूमन बीइंग के न्यूट्रिशन में क्या क्या चीजें हैं। पहली चीज तो फूड, दूसरी चीज इंजेक्शन ऑफ फूड, तीसरी चीज डाइजेशन ऑफ फूड, चौथी चीज एब्जॉर्प्शन, एंड एसिमिलेशन। और पांचवी चीज जो थी इग्निशन। इतने स्टेप थे पूरे के पूरे न्यूट्रिशन प्रोसेस में। तो हम ह्यूमन बीइंग के बारे में भी बात करेंगे कि ह्यूमन बीइंग में क्या क्या होता है, कि ह्यूमन बीइंग का फूड क्या है। ह्यूमन बीइंग मतलब हम और आप और हमारे आसपास वो सभी लोग जो हम और आप जैसे दिखते हैं, आपकी फैमिली, हमारी फैमिली, आपके पड़ोस वाली फैमिली, हमारे पड़ोस वाली फैमिली, ठीक। तो ये सब ह्यूमन ही है, आप जानते ही होंगे। अब इनका फूड क्या क्या है इसको बताने की आवश्यकता नहीं, ये सब आप समझ रहे होंगे, जान भी रहे होंगे कि फूड में हम लोग क्या क्या लेते हैं। अरे प्लांट प्रोडक्ट भी लेते हैं और एनिमल प्रोडक्ट भी लेते हैं। प्लांट प्रोडक्ट में दाल, चावल, सब्जी, रोटी, पूरा का पूरा शाकाहारी फूड, और एनिमल प्रोडक्ट में दूध, दही, मक्खन, घी और अंडे, मांस, मछली, ये सब क्या है, एनिमल प्रोडक्ट है, यही सब तो हम लोग खाते हैं, तो हमारा फूड ये हो गया। अब ये बात दूसरी है कि किसको क्या पसंद है। अपनी अपनी पसंद का, अपनी अपनी रुचि का, अपने अपने इंटरेस्ट का सब लोग भोजन करना पसंद करते हैं, तो वो हो गया फूड। दूसरी चीज इंजेक्शन ऑफ फूड, यानी कैसे इसको खाते हैं। ये सब जानते हैं कि फूड को हम लोग पका लेते हैं, पकाने के बाद हाथ से तोड़कर कौरों को, अपने मुंह में डालकर निवालों को फिर चबा कर खाते हैं, ये हो गया इंजेक्शन ऑफ फूड, ठीक। फिर डाइजेशन, कैसे हम पचाते हैं, कहाँ पचाते हैं, ये स्टमक में जाता है, एलिमेंट्री कैनाल हमारी होती है पूरी की पूरी फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। फिर एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन यानी पचे हुए फूड से अब न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है हमारी इंटेस्टाइनल वाल, आंत की दीवार, और ब्लड में मिक्स करती है, उसके बाद ब्लड पूरी बॉडी में इसको सर्कुलेट करता है, जिससे अलग अलग बॉडी पार्ट अपनी आवश्यकता अनुसार उसे एब्जॉर्ब कर देते हैं, ठीक। और लास्ट में हम बात करते हैं इगेशन की। इगेशन का मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उस अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को
शरीर से बाहर निकालने का काम भी एक्सेट्रा के रूप में हम लोग करते हैं। तो ये पांच स्टेप है न्यूट्रिशन के, और इनमें से अगर एक स्टेप भी गायब हो जाए तो न्यूट्रिशन नहीं होना, फूड गायब, आगे की प्रोसेस होगी ही नहीं। फूड है, आप भोजन को ग्रहण ना करें, फूड को इंटेक ना करें तो भी न्यूट्रिशन नहीं होगा। भोजन आया, खूब खाया लेकिन पचाया नहीं तो भी न्यूट्रिशन नहीं होगा। पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं हुआ तो भी न्यूट्रिशन नहीं होगा। और अपाच भोजन को शरीर से बाहर अगर नहीं निकाला तो भी न्यूट्रिशन नहीं होगा। तो ये सारी स्टेप जरूरी है किसके लिए? न्यूट्रिशन के। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि इन सब के लिए क्या क्या सिस्टम है हमारी बॉडी में। दरअसल न्यूट्रिशन के लिए फूड को डाइजेशन करने के लिए जो चीजें सब आप जान रहे हैं, मुंह खाने के लिए पेट के अंदर जो हमारी इंटेस्टाइन है, एलिमेंट्री कैनाल है, वो उसे भोजन को पचाती है। तो लेकिन ऐसे ही नहीं पचाएगी, इंटेस्टाइन को अगर हम हवा में लटका दें ऐसे और भोजन डालें तो पचेगा नहीं। उसमें भी वेरियस टाइप ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड मिलाए जाते हैं, मिलते हैं, तब जाकर के वो भोजन पचता है ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन के द्वारा। अगर हार्मोन ग्लैंड से ना सिक्रेट हो या डाइजेस्टिव एंजाइम ना निकले तो फिर फूड का डाइजेशन नहीं हो पाए। तो कुल मिलाकर के ये कहने का मतलब है कि न्यूट्रिशन में जो दो चीज़ें होती हैं महत्वपूर्ण चीज़ें, उनमें एक तो एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है एक तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल दूसरी चीज डाइजेस्टिव ग्लैंड, दो चीजें हैं। एक तो हमारी आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल और दूसरी चीज डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल हमारे माउथ से शुरू होती है। ये माउथ से शुरू हुई, अंदर चैम्बर चली आई, ये हमारा माउथ, मुंह, मुंह से शुरू होगी और मुंह से ये अंदर जाएगी एलिमेंट्री कैनाल हमारे स्टमक में, पूरी की पूरी स्टमक में बिल्ली, छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है स्टमक, स्टमक माने पेट। हम आपको बताएं कि स्टमक मींस ओनली दैट पोर्शन आप अपर एलिमेंट्री कैनाल इन विच फूड इज स्टोर्ड, दिस होल पोर्शन इज एब्डोमेन, होल पोर्शन इज एब्डोमेन। एब्डोमेन कहें तब तो ठीक है, लेकिन स्टमक कहें, स्टमक का मतलब ठीक नहीं है। स्टमक मीन्स ओनली दैट पोर्शन इन विच आवर फूड इज स्टोर्ड, जो हम खाते हैं वो जाकर स्टोर हो जाए, ठीक। तो ये हमारी माउथ है, माउथ एक मस्कुलर लिप, मोटाइल लिप, मोटाइल लिप जो है यानी कि मूव करते हैं, चल फिर सकते हैं, हम बोल रहे हैं देखिए और चल रहे हो, चुप हो जाए, मूवन ऊँटों ने ही इसको बंद कर रखा है। तो कुल मिलाकर ये माउथ का मुंह जो है ये ऊँटों के द्वारा ही बंद, मुंह के अंदर की अगर हम बात करें तो पूरी की पूरी एक कैविटी है और कैविटी के पीछे ये ट्यूब है और ट्यूब के बाद देखेंगे तो ये ऐसे एलिमेंट्री कैनाल शुरू होती है स्टमक, और स्टमक के बाद ये जाएगी इस तरह से चली जाएगी और लास्ट में जाएगी एक इसी में लीवर, पैंक्रियास, दुनिया भर की और चीज़ें होंगी। तो सारे के सारे मिल करके डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं। अब ये चीज़ें जो है ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है। अगर हम स्टडी करना चाहें तो वी कैन डिवाइड होल एलिमेंट्री कैनाल इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स हैं एलिमेंट्री कैनाल में? पहला माउथ,
दूसरा बक्कोफेरेंजियल कैविटी, तीसरा फेरेंस इसी में आ जाएगी, ओसोफेगस, पांचवा स्टमक, चौथा हो गया। पहला क्या है? माउथ, दूसरा बक्कोफेरेंजियल कैविटी, तीसरी ओसोफेगस, उसके बाद स्टमक, और उसके बाद जो आएगी वो आएगी हमारी इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक स्मॉल इंटेस्टाइन और एक लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर? तो मेन हम शुरू करते हैं माउथ। माउथ में क्या है ये आप जान रहे हैं, मुंह छोटा सा, दो ओठों के द्वारा कवर्ड, दो ओठों के द्वारा घिरा हुआ मांसल ओठ है, और इसके अंदर की कैविटी को पूरी की पूरी यहां से लेकर पीछे तक की पूरी कैविटी को हम बोलते हैं बक्कोफेरेंजियल कैविटी। बक्कोफेरेंजियल कैविटी कैन बी डिवाइड अगेन इनटू टू पार्ट। कितने पार्ट में? टू पार्ट में। और वो टू पार्ट कौन कौन से हैं? एक तो बक्कल कैविटी, दूसरी फेरेंस। दो पार्ट में डिवाइड, बकल कैविटी और फेरेंस। अगर ये हम यहां से लें और इस पूरी की पूरी यहां तक के हिस्से को हम मान लें तो ये हमारा क्या है? बक्कोफेरेंजियल कैविटी। अब बक्कोफेरेंजियल कैविटी में ये आगे की बकल कैविटी ए और ये है बी, ये बक्कोफेरेंजियल कैविटी है। यहां से कहां तक? ए यहां तक, ये पूरी हम इसको मान लेंगे बक्कल कैविटी, और इस हिस्से को हम मानेंगे बी फेरेंस। ध्यान दीजिएगा, ये है बक्कल कैविटी, और ये है फेरेंस। बक्कल कैविटी में जो मुंह के अंदर की गुहा है, इसमें दो चीजें मेन चीजें होती हैं, एक तो टीथ और दूसरी टंग, दांत और जीभ। लेकिन दांत और जीभ जिस कैविटी के अंदर बंद होते हैं उसकी ऊपर की छत कहलाती है तालु, या पहले क्या कहलाती है? पहले क्या लिखेगा? पहले ये वाली छत, पहले अपनी जीभ से टच करके ऊपर देखें तो आगे की ओर कड़ा कड़ा है और पीछे की ओर साफ है। तो ये दो पार्ट में फिर डिवाइड हो जाएगा, एक हार्ड पैलेट और दूसरा वाला सॉफ्ट पैलेट। क्लियर हुआ? ये हार्ड पैलेट सॉफ्ट पैलेट दिख रहा है, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। क्लियर हुआ? तो जो तालु है आगे की ओर जीभ से आप टच करके ऊपर देखें तो कड़ा, पीछे की ओर मुलायम है तो आगे का हार्ड पैलेट और पीछे का सॉफ्ट पैलेट, ये बनाता है पूरा का पूरा पैलेट। आगे और पीछे दोनों मिलाकर एक पैलेट पूरा हुआ और जिसे हम बोलते हैं पैलेट। ये पूरा और पूरा मुख गुहा की ऊपरी छत को बनाता है। ठीक, नीचे की ओर टंग होती है। क्लियर? कोई दिक्कत? अब ये तालु की बात अगर हम खत्म करें तो नीचे ये पूरी की पूरी आगे से पीछे तक, यहां से यहां तक पूरी की पूरी टंग होती है, जीभ होती है। जीभ एक मांसल है जो पीछे से जुड़ी होती है और आगे से स्वतंत्र होती है, फ्री होती है, जिसको कि हम बाहर निकाल सकते हैं। ऐसे कुल मिलाकर हम अपनी जीभ को, टंग को बाहर निकाल सकते हैं और अंदर भी कर सकते हैं। जीभ के ऊपर भोजन का टेस्ट या फूड का टेस्ट लेने वाली टेस्ट बड्स होती है। क्या होती है? टेस्ट बड्स, यानी कि स्वाद कलिकाएं। मनुष्य केवल चार प्रकार के स्वाद को ले सकता है, कौन कौन सा? खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन।
खट्टा जानते ही हैं, जैसे नींबू का टेस्ट, मीठा, चीनी का टेस्ट, कड़वा, कड़वा का मतलब मिर्च नहीं, कड़वा का मतलब जैसे करेला, ये कड़वा टेस्ट, नीम की पत्ती का टेस्ट, ये कड़वा और नमकीन नमक का टेस्ट, बाकी कोई भी टेस्ट मनुष्य देने के लिए सामर्थ्यवान नहीं है, अर्थात किसी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं दे पाए। क्लियर हो गया? अब टेस्ट जो लेते हैं, मिर्च में आप कहें टेस्ट है, नहीं नहीं मिर्च में टेस्ट नहीं है, टेस्ट का ज्ञान हम केवल टेस्ट बर्ड के द्वारा, टेस्ट का ज्ञान या स्वाद का ज्ञान हम केवल स्वाद के द्वारा, जीभ पर चीनी लगाएं मीठा लगेगा, पेट में लगाएं नहीं लगेगा तो मीठा अपना एक स्वाद, खट्टा नींबू अगर जीभ पर लगाएं समझ में आएगा, पेट पर हाथ पर लगाएं नहीं पता चलेगा, यानी खट्टा भी हो गया, नमकीन नमक अगर जीभ पर लगाएं पता चलेगा, पेट पर लगाएं नहीं पता चलेगा, लेकिन मिर्च को जीभ पर लगाएं तो पता चलेगा, हाथ पर लगाएं पैर में लगाएं आंख में लगाएं जहां लगाएं वहां लगाएं पता चलेगा। इसका मतलब क्या कि मिर्च का अपना कोई स्वाद नहीं, मिर्च को जलन पैदा करता है, ठीक, और भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए हम उसे मिर्च को मिलाते हैं। बात मेरी समझ में आई? तो मिर्च का अपना कोई स्वाद नहीं। इसमें हम आपको बता दें कि जीभ पर जो मीठा स्वाद ग्रहण करने वाली टेस्ट बड होती हैं वो सबसे आगे की होती है, जो खट्टा स्वाद पता करने वाली टेस्ट बड होती हैं वो सबसे कहाँ होती हैं? पीछे होती हैं, और जो नमकीन स्वाद पता करने वाली होती हैं वो आगे साइड में होती हैं, जो यानी इधर और इधर, और जो नमकीन स्वाद पता करने वाली होती हैं वो कहाँ होती हैं? आगे से थोड़ा। बात समझ में आ गई? याद रखेंगे, आगे मीठा स्वाद, पीछे खट्टा स्वाद, और नमकीन के लिए आगे से थोड़ा पीछे, और जो कड़वा स्वाद होता है वो सही। मेरी बात समझ आ गई? कोई दिक्कत नहीं होना भी नहीं चाहिए। जीभ कितने महत्वपूर्ण चीज है आप समझ सकते हैं, जीभ का ही काम करती है, जीभ के कार्यों की अगर हम बात करें तो पहली चीज तो जीभ बोलने में ही मदद करती है, दूसरी चीज जीभ मुंह की सफाई का काम करती है, दांतों में फंसे हुए भोज पदार्थ के कणों को निकालने का भी काम करती है, कहीं दांत में फंस जाएगा खाना पर तो जीभ सही से उधर करके करे, जीभ भोजन को लार से सरने का भी काम करती है, जीभ भोजन को निगलने का भी काम करती है, और जीभ भोजन को ग्रहण करते समय चम्मच की तरह भी काम करती है। आपने देखा होगा बहुत से एनिमल्स जीभ से ही पानी पीते हैं, कुत्ता भी जीभ से पानी पीता है, जितने भी एनिमल्स हैं जो हमारे कैटल्स हैं मवेशी हैं वो सब जीभ से ही पानी पीते हैं, अर्थात पानी पीने में जीभ एक प्रकार से चम्मच का काम करता है। क्लियर हो गई? कोई दिक्कत? दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो हमारे मुख गुहा में टीथ की है। टीथ मनुष्य में जो टीथ होते हैं वो थीकोडोन अर्थात हड्डियों को जोड़ने वाले खांचों में जुड़े होते हैं, जबड़े में फंसे होते हैं। ये टीथ मनुष्य में दो बार निकलते हैं, एक बार बचपन में दूध के दांत निकलते हैं, और जब वो टूट जाते हैं उनके स्थान पर स्थायी दांत निकलते हैं। बचपन में जो दांत निकलते हैं उनकी संख्या कुल 28 होती है, लेकिन एडल्ट कंडीशन में जो दांत निकलते हैं वो कुल संख्या उनकी 32 होती है, और वे जब टूटते हैं तो दोबारा नहीं निकलते। मनुष्य में कुल 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से 4 प्रकार के दांत हैं? पहला दांत इंसाइजर, दूसरा दांत केनाइन, तीसरा दांत प्रीमोलर, और उसके बाद मोलर। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। अगर हम जबड़े की बात करें तो जबड़ा, अगर हम ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा दोनों हिस्से मिलाकर जबड़े होते हैं, ऊपरी जबड़ा निचला जबड़ा, और इन जबड़ों में ही दांत फंसे होते हैं। अगर हम हाफ जबड़े को लेकर के आपको हम बताना चाहें तो देखिए, अगर हम हाफ को भी हाफ में बांट दें
तो इधर ये दो था, उसके बाद फिर ये दो दांत और ये तीन दांत, ऐसे ही साइड भी रहेगा। इधर ये दो दांत, फिर एक ये केनाइन दांत, उसके बाद फिर दो दांत और उसके पीछे तीन दांत। मेरी बात समझ गई? अब ध्यान दीजिए, ये आगे के जो दो दांत हैं आधे जबड़े में, यानी जबड़ा आधा सा कर ले तो आधा इधर आधा इधर, दो दांत ये कौन से हैं? इंसाइजर दांत। इसके बाद वाला जो दांत है, ये वाला कौन सा दांत है? केनाइन दांत एक। और इधर के जो दो दांत हैं, ये वाले प्रीमोलर, ये वाले दिख रहे हैं, और पीछे के जो तीन दांत हैं वो कौन से दांत हैं? मोलर। ये तीनों दांत कौन से हैं? मोलर। बात समझे? चार प्रकार के दांत होते हैं, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसाइजर दांत उतरने के लिए किसी चीज को, केनाइन दांत चीरने फाड़ने के लिए, प्रीमोलर दांत बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलने के लिए, और मोलर दांत टूट को चबा कर समाप्त करने के लिए। ठीक, तो चार प्रकार के दांत होते हैं, और ये चारों प्रकार के दांत जो इधर है वही इधर है, यानी देखिए इधर कितने, दो एक तीन, दो पांच, तीन आठ, कितने हुए? दो एक तीन, दो पांच, तीन आठ, और इधर भी आठ हो, दो तीन, दो पांच, तीन आठ, कुल मिलाकर आठ आठ सोलह नीचे और सोलह ऊपर, कुल मिलाकर बत्तीस। अगर ह्यूमन बींग मैन का डेंटल फार्मूला पूछे आपसे कोई, तो क्या होगा बताइए आप? इंसाइजर दो बटे दो, केनाइन एक बटे एक, प्रीमोलर दो बटे दो, और मोलर तीन बटे तीन। ये आधे जबड़े की बात है एक तरफ, यानी दो एक दो तीन, दो एक दो तीन, यानी कुल मिलाकर कितना हुआ? आठ बटे आठ बराबर सोलह गुणते दो बराबर बत्तीस। ये हुआ मनुष्य का डेंटल फार्मूला। इस प्रकार से आप पूरा का पूरा डेंटल स्ट्रक्चर, डेंटल फार्मूला बताकर दांतों की स्थिति को दर्शा सकते हैं, और इस प्रकार से ये आपका हमने माउथ कैविटी का पूरा हिस्सा बता दिया। उसके पीछे क्या है? फैरिंग, यानी जहां पर भोजन जाने के बाद हम दोबारा वापस मुंह में नहीं ला सकते हैं, केवल हम निगल सकते हैं, निगलने का काम जहां से होता है वो है फैरिंग। इसके बाद ओसोफैगस, ग्रास नली। अब ग्रास नली से हम आपको नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी, काफी किताब उठा करके पूरा नोट्स बनाए, नोट्स बनाने की तैयारी करें, और जो भी आपको समस्या हो व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट करके आप हमसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। आपके प्रश्नों का पूरी तरीके से उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ेंगे भी। आज का वीडियो कैसा लगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकॉन को दबा करके आप सुरक्षित कर लें कि अपलोड होने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, थैंक यू।